इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी कल की 2898 AD का फाइनली ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और इस ट्रेलर के आने से पहले भी हम मूवी के बहुत सारे प्रमोशन मटेरियल ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें की सबसे पहले इन्होंने पिछले साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जाकर मूवी की एक ग्लिम्स वीडियो रिलीज की थी, जो कि एक्चुअली में अच्छी थी, जिसके बाद से मैं इस मूवी के लिए पर्सनली एक्साइटेड हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूसिंग अश्वधामा वाली एक वीडियो रिलीज की थी, जिसमें कि इन्होंने अश्वधामा के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद इन्होंने मूवी के ढेरों सारे पोस्टर भी रिलीज किए, जिनमें कि कुछ अच्छे थे और कुछ ठीक ठाक थे। और इसके बाद इन्होंने प्राइम वीडियो पर एक प्री लोड एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज की, जिसमें कि आपको 2 एपिसोड देखने को मिलते हैं सिर्फ 15-15 मिनट के, जिसका नाम है भैरवा एंड भुज्जी, जिसको कि मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि ये मूवी देखने से पहले वो सीरीज जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें इस वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर भुज्जी और भैरवा मिले कैसे, उनका रिलेशन क्या है और आखिर उनका मोटिव क्या है। इसके साथ साथ आपको वो सीरीज देख कर ये भी पता चलेगा कि भैरवा का कैरेक्टर आखिर है कैसा और उसको चाहिए क्या, जिसके बाद आप ट्रेलर देखते वक्त कुछ डॉट्स कनेक्ट भी कर पाओगे। तो यस, अगर इस वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है या फिर आपको और जानना है तो वो 2 एपिसोड जरूर से देख लेना 15-15 मिनट के ही, और थिएटर में एक प्रो बंदा बनकर जाना, जस्ट लाइक मी। और इन सब के बाद अगर ट्रेलर की बात करें तो ब्रो, ट्रेलर वॉज डैम गुड, रियली द विजुअल्स, द VFX, द CGI गजब। और VFX एंड CGI की बात निकली है तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मूवी का बजट है 600 करोड़, जिसके बाद ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बन जाती है एवर। वैसे प्रभास की तो हर दूसरी पिक्चर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव की लिस्ट में आ ही जाती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आदिपुरुष, और आदिपुरुष का नाम निकला है। तो यहीं पर ही आप देख सकते हो कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप उनको सोच समझ कर लगाओ तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल कर आता है, और अगर आप बस एवे ही कुछ भी कर दो तो आदिपुरुष जैसा हमको कुछ देखने को मिलता है, एंड डिफरेंस आप देख सकते हो कि कितना है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमको कुछ लोग देखने को मिलते हैं जो कि ट्रैवल करके आ रहे हैं और जो कि किसी ट्रक पर बैठे हुए हैं, और ध्यान दोगे तो ये ट्रक टायर वाला नहीं बल्कि हवा वाला है, रॉकेट्स पर चलने वाला। और क्योंकि ये साईफाई मूवी है तो ये सब तो हमको इसमें देखने को मिलेगा ही, जिसके बाद इसके पीछे हमको एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि काशी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी थी वही अब वर्ल्ड की लास्ट सिटी है, काशी ऑल्सो नोन एज बनारस एंड वाराणसी। फिर एक बच्चा कहता है कि वहाँ ऊपर पानी है, फिर एक दादाजी बताते हैं कि जब उन्होंने दुनिया से सब कुछ लूट रखा है तो ऊपर तो सब कुछ होगा ही। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऊपर और कोई नहीं बल्कि अपना विलन रहता है, और उस पूरी जगह को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जहाँ पर की हर चीज की फैसिलिटी है, फूड, वाटर, फ्रूट्स, एवरीथिंग। वहाँ पर हरियाली भी है, वॉटरफॉल्स भी है, ट्रीज भी है, सो टॉप आप उसको इस वर्ल्ड का स्वर्ग कह सकते हो क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर रहते हैं मूवी के अपने मेन विलन सुप्रीम यास्किन, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं कमल हसन, उन पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वधामा पर बात कर लेते हैं क्योंकि ही इज फायर। तो इस ट्रेलर में एक बच्चा अश्वधामा से पूछता है कि आप किस किस को बचाओगे, तो वो उससे कहता है कि मेरे को सिर्फ एक बच्चे को बचाना है। जिसके बाद हमको ट्रेलर में दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलती है जो कि प्रेग्नेंट दिखाई है, और अश्वधामा जी को उनके उस बच्चे की ही रक्षा करनी है जो कि अभी पेट में ही है, क्योंकि वो एक चोजन वन है या फिर एक भगवान है। जिसके बाद की जो इतने टाइम से हम ये सोच रहे थे कि प्रभास का कैरेक्टर ही कल्कि होगा, वो इस थ्योरी को थोड़ा गलत ठहरा देता है, क्योंकि अब कल्कि होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं जो दीपिका के पेट में है, और भैरवा जस्ट अ बाउंटी हंटर, और उसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स में जाना है, और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स लगती है। और हम अश्वधामा पर बात कर रहे थे तो इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि जो उनके माथे पर मणि है वो अंदर नहीं है बल्कि सिर्फ उनके माथे से लगी हुई है। जिसके बाद आगे बढ़े तो ट्रेलर को देख कर ये समझ में आ रहा है कि अश्वधामा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के प्रोटेक्टर होंगे, और दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स में बैठे लोगों को भी चाहिए, जिसमें कि ये बंदा जो है ये कमल हसन के कैरेक्टर जिनका नाम है सुप्रीम यास्किन उसका कमांडर होगा, जो कि ये सब कुछ संभालेगा। और यही एक सीन में कहता भी है कि हमको वो लड़की चाहिए, और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी भी है। इसके बाद डेफिनेटली भैरवा 1 मिलियन यूनिट्स के लिए दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने जाएगा और उसको कॉम्प्लेक्स को सौंपेगा, 1 मिलियन लेगा और खुद कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। उसकी सोच कुछ ऐसी होती है, लेकिन दीपिका पादुकोण को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उनके साथ है अश्वधामा, और भाई उनकी जो हमको पावर इस ट्रेलर में देखने को मिली है, एक साथ 6-6 बंदों को उल्टा करके फेंकना और फिर जमीन में पैर मारकर आसपास की चीजों को तोड़ फोड़ देना, और एक अच्छी खासी स्पीड पर चलती हुई कार को सिर्फ एक पैर से रोक देना, दैट वॉज डैम कूल। जिसके बाद इधर भैरवा कॉम्प्लेक्स के कमांडर को कहता है कि
लड़की अगर कोई है जो उस लड़की को ला सकता है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि आप रिकॉर्ड उठाकर चेक कर लो, मैंने आज तक कोई भी फाइट नहीं हारी और ये वाली भी नहीं हारूंगा, जो कि ये वाली फाइट उसकी है अश्वत्थामा के साथ, जो कि उससे 10 गुना पावरफुल है, क्योंकि भैरवा एंड द एंड एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, भले ही उसके पास कुछ गैजेट्स हो जिसकी वजह से वो उड़ सकता हो, जो कि एंड वाले इस मनी शॉट में हमने उसको देखा भी कि वो उड़ रहा है सुपरमैन की तरह या फिर आयरन मैन की, क्योंकि उसके पैरों में कुछ गैजेट्स लगे हुए जिसकी वजह से वो उड़ पा रहा है। ये मत सोचना कि उसके पास कोई सुपर पावर है, नहीं। तो ट्रेलर देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि अश्वत्थामा और भैरवा की हमको इसमें खतरनाक सी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक सीन में अश्वत्थामा भैरवा को ऐसे पकड़ के फेंका और वो 2-3 वॉल्स में पार हो गए। फट फट फट, भाई साहब दिस इज गोइंग टू बी बैड एस। और ट्रेलर के एकदम एंड में हमको कमल हसन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिनका नाम मूवी में होगा सुप्रीम यांचेन, जो कि उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा है, जैसे कि जल वल गया हो, और उनके माथे पर एक स्कार भी है जिसके अंदर से रेड रेड कुछ चमक रहा है। और भाई जो उन्होंने ट्रेलर में सिर्फ एक लाइन बोली है ना, दिस इज टू मच। तो ये तो हमको पता ही है कि पिक्चर में कली और कल्की वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है, जिसमें कि कली प्रोबेबली कमल हसन का कैरेक्टर ही होगा, लेकिन मूवी में उसको अलग तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि उनका नाम मूवी में सुप्रीम यास्किन है। हो सकता है कि मूवी के एंड में हमको ये भी बता दिया जाए कि यास्किन ही कली है और दीपिका पादुकोण का बेटा ही कल्की है। एंड डेफिनेटली प्रिपेयर होकर जाना कि आपको इसी मूवी में एंड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके 3-4 पार्ट तो आएंगे, और डायरेक्टर ने तो उसको कल्की यूनिवर्स का नाम भी दे दिया है, तो ऑब्वियसली इसमें हमको और भी मूवीज देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बाद अगर ट्रेलर की कुछ डिटेल्स की बात करें जो कि मैंने नोटिस की, तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमको इस वाले सीन में यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलता है इंस्टेंट क्रेमार्ट 500 यूनिट, यानी कि यहाँ पर आप किसी का अंतिम संस्कार करवा सकते हो सिर्फ 500 यूनिट देकर। साथ ही पीछे एक बोर्ड पर किसी होटल का नाम भी लिखा हुआ है। इसके बाद हमको एक सीन में ये स्टैचू देखने को मिलता है जो कि पूरा का पूरा मूव करता है, जिसको कि आप कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके हाथों में लोग खड़े होकर ऊपर जाते हैं। इसके बाद हमको ट्रेलर में अश्वत्थामा का एक युद्ध वाला सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें कि उन्होंने फ्लैग को होल्ड किया हुआ है और वो घुटनों पर है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमको मूवी में कुछ महाभारत वाले युद्ध के ग्लिम्स भी देखने को मिल जाए। इसके बाद हमको एक सीन में ये बंदा देखने को मिलता है जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है, जिसको कि मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स के लोगों ने ही पकड़ा होगा, या फिर इस बंदे को भैरवा पकड़ कर ले जा रहा होगा कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके बाद हमको एक सीन में प्रभास के 3-3 वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि हाई वाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने प्रीलोड वाली सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक डिवाइस है जिससे कि वो ऐसा कर सकता है। और इन सब के बाद हमको ट्रेलर में ये वाला सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ कुछ कमल हसन के कैरेक्टर ने भी ट्रेलर में बोला है कि डरो मत, नया युग आने वाला है। तो क्या ये नया युग बनाने की कोई नाकाम कोशिश थी? इसके बाद हमको ट्रेलर के एक शॉट में नैनोटेक वाली एक बाइक भी देखने को मिलती है, जिसको कि आप अनफोल्ड होते हुए देख सकते हो। इसके साथ साथ ही हमको ट्रेलर में कुछ और लोग भी देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काशी के नहीं है, मतलब अलग जगह होगी जहाँ पर और लोग रहते होंगे, क्योंकि इनके वेपन्स और कॉस्ट्यूम बहुत अलग है, जो कि इनके पास नैनोटेक वाले वेपन्स हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कॉम्प्लेक्स के अंडर नहीं आते बल्कि उनसे लड़ते हैं, क्योंकि जो इनका ये एरिया है इन्होंने इसके चारों ओर वॉल्स भी बना रखी है और उनके ऊपर कुछ मशीन गन्स भी लगी हुई है। सो इट मींस कि काशी के अलावा हमको और भी ऐसे प्लेसेस देखने को मिलने वाले हैं जहां पर की लोग जिंदा है। फिर इसके बाद इस वाले शॉट में कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी इस पहाड़ी की ओर फायर कर रही है। आई डोंट नो कि इस पहाड़ी में क्या है, लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर एक एनर्जी शील्ड बनी हुई है, जिसकी वजह से इनकी फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब उस पहाड़ी पर ऐसा क्या है, ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स का कमांडर है ये बंदा, इसके हाथ में हमको एक रेड कलर का स्टोन भी देखने को मिलता है। अब क्या ये वही स्टोन है जो यास्किन को चाहिए, या फिर ये कुछ और है? इसके बाद एंड में जिस बंदे के कान में कमल हसन ये कह रहे हैं कि डरो मत, नया युग आने वाला है, वो बंदा वही चश्मे वाला बंदा है जो कि हमने इससे पहले ग्लिम्स में देखा था ये। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो प्रभास उड़ रहा है वो किसी गैजेट से उड़ रहा है, उसके पास सुपर पावर नहीं है। तो ओवरऑल कल्की का ट्रेलर अच्छा था, इसमें जो भी मेरे को देख कर लगा वो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। इसके साथ साथ आपके इस पर क्या ओपिनियन थे, आपको ट्रेलर कैसा लगा, कुछ डिटेल्स आपने नोटिस की हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत कहीं से भी अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी आ गए हो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।